गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने किया था सोल प्रोप्राइटरशिप. टुडे आवर टॉपिक इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म. अ पार्टनरशिप इज एन अरेंजमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल टू ओवरसी बिजनेस ऑपरेशंस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट्स एंड लाइबिलिटीज़. तो पार्टनरशिप बेसिकली क्या होती है? अगर हम अकेले हैं तो हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते. पार्टनरशिप के लिए एक से दो या दो से ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं, ठीक है, ताकि हम मिलके एक बिजनेस करें जिसमें हमारा इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग हो और लाइबिलिटीज़ भी इक्वली शेयर हो. इन जनरल पार्टनरशिप कंपनी ऑल मेंबर शेयर बोथ प्रॉफिट्स एंड लाइबिलिटीज़. प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स एंड लॉयर्स ऑफन फॉर्म अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. देयर मे बी टैक्स बेनिफिट्स टू अ पार्टनरशिप कंपेयर टू अ कॉरपोरेशन. तो लोग क्यों करते हैं पार्टनरशिप? बिकॉज इससे क्या होता है, एक तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है. नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स फीचर्स. फर्स्ट इज टू और मोर पीपल. तो जो पार्टनरशिप है वो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होती है, ठीक है. द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई एनी मैक्सिमम लिमिट ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स. However, the Companies Act lays down that any partnership or association of more than 10% in case of banking business and 20% in other type of businesses illegal. ठीक है, तो क्या है कि Companies Act के according ये बोलते हैं कि अगर 10 से ज़्यादा होंगे तो वो banking business में, और 20 से ज़्यादा अगर होंगे तो वो illegal होते हैं. अगर 20 से ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है कंपनीज एक्ट के अंदर एज अ कंपनी. अगर उससे कम है तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी पड़ती, आप पार्टनरशिप ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हो. एग्रीमेंट. अ पार्टनरशिप कम्स इनटू बीइंग थ्रू एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन हु आर कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो क्या होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो दोनों पार्टनर्स मिलके, ठीक है. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा एग्रीमेंट होना चाहिए, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है. इट इज़ हाउएवर टू पुट एवरीथिंग इन ब्लैक एंड वाइट एंड क्लियर द फॉग सराउंडिंग ऑल नॉटी इशूज़. मतलब फॉर एग्जाम्पल, इन फ्यूचर अगर आपके कोई इशूज होंगे तो वो अगर आप अच्छे से अपनी हर एक जो चीज़ें हैं उनको डिफाइन करके लिख के ओरली या रिटन फॉर्म में लिख करोगे तो कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे इन फ्यूचर. द पार्टनर्स कैन टेक अप ओनली लीगली ब्लेस्ड एक्टिविटीज. ओनली इलीगल एक्टिविटीज कैरीड आउट बाय पार्टनर्स डज नॉट इंजॉय द लीगल सैंक्शन. तो क्या है, एक तो आपको इसमें लीगल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ठीक है. नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन. अंडर द एक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज़ नॉट कंपलसरी. तो इसको रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है, ठीक है. किसी किसी स्टेट में आपकी मर्जी है, अगर आप कराना चाहते हो तो ठीक है. इफ़ द फॉर्म इज़ नॉट रजिस्टर सर्टन लीगल बेनिफिट्स कैन नॉट बी ऑब्टेन. तो बेसिकली हम रजिस्टर क्यों कराएंगे, ताकि हमें जो लीगल बेनिफिट्स हैं वो मिले, ठीक है. द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन आर द फर्म कैन नॉट टेक एनी एक्शन इन कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट अमंग पार्टनर्स. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेटल द डिस्प्यूट थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ. तो क्यों हम करवाएंगे उसको रजिस्टर? जस्ट इसलिए ताकि अगर हमें कभी इन फ्यूचर केस कोई लड़ना पड़े तो हम लीगली कोर्ट में लेके जा सकें, ठीक है. या अगर दो पार्टनर्स में कोई डिस्प्यूट हो गया है तो लीगली अगर आप रजिस्टर करवाते हो तो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं. नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग. द पार्टनरशिप एग्रीमेंट मस्ट स्पेसिफाई द मैनर ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अमंग पार्टनर्स. फॉर एग्जांपल, आप कोई भी फर्म स्टार्ट करते हो, आप बता देते हो आपको कितनी प्रॉफिट चाहिए, जैसे 30%, 40%, कितना परसेंट आप अपना शेयर रखोगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपका 60% है, आपके पार्टनर का 40% है, तो जैसे भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आप अपनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग शेयर करोगे. एजेंसी रिलेशनशिप. जनरली स्पीकिंग, एवरी पार्टनर इज कंसिडर्ड टू बी एन एजेंट ऑफ द फर्म एज वेल एज अदर पार्टनर्स. पार्टनर हैव एन एजेंसी रिलेशनशिप अमंग देमसेल्फ. द बिजनेस कैन बी कैरिड आउट जॉइंटली रन बाय वन नॉमिनेटेड पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल. तो क्या एक एजेंसी रिलेशनशिप है? ऐसे भी हो सकता है कि सारे पार्टनर्स मिलके इक्वली ध्यान रख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का,
या सारे पार्टनर्स ने वैसे इन्वेस्ट कर दिया है, बट उन सारे पार्टनर्स को एक ही इंसान अपने बिहाफ पे वो सारी ऑर्गेनाइजेशन को देख रहा है, ठीक है. एक्ट्स डन बाय नॉमिनेटेड पार्टनर इन गुड फेथ एंड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म आर बाइंडिंग ऑन पार्टनर्स एज वेल एज द फर्म. मतलब वही होगी ना कि या तो सारे पार्टनर्स ऑर्गेनाइजेशन पर इक्वली ध्यान दे रहे हैं, या फिर ऐसे होता है कि वो तीन चार पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, बाकी जैसे प्रॉफिट्स वगैरह जो शेयर होंगे वो इक्वली होंगे शेयर. अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ऑल पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय द पार्टनरशिप. इन अदर वर्ड्स, इन ऑल केसेज वेयर द एसेट्स ऑफ द फर्म आर नॉट सफिशियंट टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म, द प्राइवेट एसेट ऑफ द पार्टनर कैन ऑल्सो बी अटैच्ड. तो देखो, इफ इन केस जैसे आपकी 40% पार्टनरशिप है, ठीक है, तो लॉस हो गया कंपनी को. अब क्या है कि आपने अपने 40% आप नहीं पे कर पा रहे हो, तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो खुद की पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं वो भी आपको सेल करनी पड़ेंगी लाइबिलिटी पे करने के लिए. नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, द फर्म डज नॉट हैव अ पर्सनैलिटी ऑफ इट्स ओन, द बिजनेस गेट्स टर्मिनेटेड इन केस ऑफ डेथ, बैंकरप्टसी और ल्यूनेसी ऑफ एनी वन ऑफ द पार्टनर, ठीक है. ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, अ पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू आउटसाइडर अनलेस ऑल पार्टनर्स एग्री यूनैनिमसली. तो क्या है, अगर कोई पार्टनर इंटरेस्ट अपना जो है वो आगे देना चाहता है या आगे किसी को ट्रांसफर करना चाहता है, तो वो खुद ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसे सभी पार्टनर्स के सिग्नेचर्स लेने पड़ेंगे. म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, अ पार्टनरशिप इज बिल्ट अराउंड द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट. अगर हम पार्टनरशिप करते हैं तो बेसिकली हम अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ करते हैं, हमारा एक ट्रस्ट होता है, कॉन्फिडेंस होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है. तो आई होप आपको ये इतना टॉपिक क्लियर हो. इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो, ठीक है. थैंक यू.